ग्राम बाचा, जिसे सब लोग 16 ग्राम बाचा के नाम से जानते हैं, ये उसका आज जल महोत्सव का आयोजन है। प्रातः काल से ही गांव के सभी ग्रामवासी और यहां नदी पर एकत्रित हुए हैं, गांव की जो छोटी नदी है, और यहां हर वर्ष बोरी बंधान के कार्यक्रम इस नदी पर और यहां के जो नाले हैं उस पर होता है। ये इस वर्ष का यहाँ का और 5वां बोरी बंधान और स्टाफ डैम में पानी रोकने का आयोजन है। आप सब देख रहे हैं कि इस बोरी बंधान डैम के कारण आसपास इधर गेहूं है, यहाँ पर इधर फसल हो रही है, ये मोटर चल रही है यहाँ पर इस बोरी बंधान के माध्यम से, और पीछे की तरफ इधर 20 से 25 एकड़ में और इस बोरी बंधान के माध्यम से यहाँ पर और ये गेहूं की पैदावार होती है। और उस दिन सब गांव के लोग मिलकर के और जो नदी की रेत है उसमें से बोरियां भरते हैं और बीच में काली मिट्टी भरते हैं, और उसके कारण इस नदी का पानी यहाँ रुक जाता है। और ऐसे इस नदी पर 5 डैम और गांव वालों ने किए हैं, और उसके कारण गांव में पूरे गांव की जो फसल है, जहाँ पहले और इस गांव में सूखे खेत रह जाते थे, और अब ये खेत गेहूं से और भिन्न भिन्न फसलों से ये लहला रहे हैं। तो एक छोटे छोटे काम के कारण और गांव वालों के सामूहिक प्रयास के कारण हम और हमारे अन्न की पैदावार बढ़ा सकते हैं। साथ ही गांव में और जो पहले गांव में पानी मार्च अप्रैल के समय ही समाप्त हो जाता था, अब साल भर एक प्रकार से यहाँ की धरती में पानी रहना प्रारंभ हो गया है। यहाँ के घर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना है, सोर्स पिट बने हैं, हैंडपम्प के पास बने हैं। तो यह गांव एक प्रकार से, जिसे हम कहते हैं कि जलयुक्त गांव है, अब इस गांव में कहीं भी जाएंगे तो आपको 30-40 फुट पे पानी मिल जाएगा, और गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, खेतों में सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं है, और यहां के छोटे छोटी खेती है किसानों के पास में, वे नाले से ही और 5 फुट 10 फुट से उठा करके पानी अपने खेत में ले जाते हैं। आगे का जो बंधान है वहाँ से तो नाले में जो स्टाफ डैम और बोरी बंधान बना है उसके बाजू से नहर निकाल करके नीचे 25-30 एकड़ की खेती करते हैं। तो हम पानी को रोक करके और बहुत बड़ा काम ये कर सकते हैं, छोटे छोटे काम। क्या गांव ने सबको संदेश दिया है और अनेक वर्षों से यहाँ ये काम हो रहा है, और अब यह काम सारे जिले भर में एक आंदोलन के रूप में गांव गांव में हो रहा है। तो बाचा गांव के लोगों ने और सारे जिले को, सारे देश भर के लोगों को संदेश दिया है कि हम हमारे गाँव का पानी गाँव में ही रोक करके और गाँव की जो जल समस्या है, जो आज विकराल होती जा रही है, ये ग्लोबल समस्या होती जा रही है, उसको और हल कर सकते हैं। उसका एक निदान गांव के लोग ही निकाल सकते हैं, अपने गांव का पानी गांव में रोक करके, और घर का पानी घर में रोक करके, खेत का पानी खेत में रोक करके, नदी का पानी नदी में रोक करके। तो एक संदेश देने का काम बाचा गांव के वासियों ने है, और इसका लाभ उनको मिला है, इसलिए हर साल और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं तो 5-5 बोरी बंधान जल महोत्सव मना करके अपने गाँव की नदी पर करते हैं। तो आज ये अंतिम बोरी बंधान यहाँ इस नदी पर है, तो थोड़ा इस खेत में पानी की कमी आई थी, तो यह बोरी बंधान हो गया। इसके बाद ये पूरा गेहूं में 2 से 3 पानी और निकल जाएंगे, और ये गेहूं अच्छे प्रकार से पकेगा इस छोटे से बोरी बंधान के कारण। लाखों करोड़ों लीटर पानी यहां से आधा किलोमीटर दूर तक इस नदी में रुकेगा, और उससे हम यहां के किसान ये सिंचाई कर पाएंगे। तो एक संदेश सब लोगों के लिए है कि हम सब बाचा गाँव के संदेश को सुने और अपने गाँव का पानी ये गाँव में रोकने का और सामूहिक प्रयास करें। केवल सरकारी स्तर पर नहीं, शासकीय स्तर पर नहीं, तो हम सामूहिक स्तर पर गांव के लोगों ने मिलकर अगर काम किया तो हम ये बड़ा काम जल संरक्षण का कर सकते हैं।